के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो एयर इन्फ्लेटर में मैंने बहुत सारे रिसर्च किया एंड देन 2-3 रात मैं यही रिसर्च करता रहा कि कौन सा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब भी मैं कोई साइट पर जाता था तो मुझे यही दिखता था कि एयर इन्फ्लेटर 2 से 3 हज़ार रुपये के ही अच्छे थे, जिसका रेटिंग वगैरह अच्छा था। अगर उसका दाम कम है तो रेटिंग भी बहुत ख़राब था, और साथ में लोगों ने ऐसे ऐसे रिव्यूज़ दिए थे कि मतलब आप तो ऐसा सोचेंगे घर लाते से पहली बार हवा भरते से ही वो बंद हो जाएंगे, तो ऐसे ऐसे मुझे दिखते थे। लेकिन सर्च करते करते, क्योंकि मैं काफ़ी डीप में जाके सर्च किया, तो मुझे एक जगह वॉशर का ये वाला टायर इन्फ्लेटर मिला एंड मैंने इसे देखा और मुझे ये लगा कि ये वाला टायर इन्फ्लेटर काफ़ी अच्छा है। जिस तरीके से इसके जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया था और साथ में जो कंपनी ने क्लेम किया था, सो आई फाउंड कि जो प्राइस रेंज था इसका 1,000 रुपये मुझे 1,100 में मिला है, तो उस रेंज में तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर ऐसा अगर ये सच में कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने चांस लेकर इसे लिया क्योंकि रिव्यूज़ भी अच्छे थे एंड इसीलिए मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरीके का प्रोडक्ट है और मेरा अभी तक के इसके साथ में क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो ये वॉशर का एक प्रोडक्ट है, वॉशर कंपनी है जो कि मेरे ख्याल से दिल्ली की कंपनी है, बट जैसे कि ये अमेरिका में डिज़ाइन होते हैं एंड ऑल, बट प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ अमेजिंग। आप अगर इसे देखेंगे तो यू विल बी अमेज टू सी कि भाई इतना अच्छा प्रोडक्ट भी बन रहा है। तो ये दिल्ली की कंपनी है मुझे लगता है, बट मैन्युफैक्चरिंग किधर होती है वो देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का तो कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर, यहाँ देख लेते हैं। तो ये बॉक्स में आपको दिखाता हूँ क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है वॉशर 801 रैपिड परफॉर्मेंस पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर, 12 वोल्ट पे चलता है और इसमें एक LED लाइट दिया है जो कि आपको रात में अगर आप लगाते हैं तो यू कैन सी काम करते करते कि पंचर ठीक से बन रहा है कि नहीं, हवा ठीक से भर रही है कि नहीं। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दिया है उसका कि ये 12 वोल्ट की बैटरी पे चलता है, इसका पावर जो है 120 वॉट है, करंट 10 एम्पियर का लेता है और इसका मैक्सिमम प्रेशर, दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, कि 130 PSI है। यूजुअली हमारे कार में तो अराउंड 35 PSI तक के हो जाता है, तो आई थिंक इट्स मच मोर देन वॉट इज़ रिक्वायर्ड। तो ये वाला है इसका बॉक्स। अब बॉक्स तो मैंने वैसे ओपन कर दिया, बट आपके सामने फिर से ओपन करके मैं दिखा रहा हूँ, इससे तो मैं अनबॉक्सिंग नहीं कहूँगा बट टाइल से अनबॉक्सिंग कम रिव्यू ऑल्सो, बिकॉज मैंने इसे यूज़ कर चुका है, बट मैंने फिर से पैक किया ताकि आपको ऐसा लगे कि ये मैंने आपको खोल कर दिखा रहे हूँ नया प्रोडक्ट, मैंने वैसे ही पैकिंग किया है। तो पैकिंग अगर आप देखेंगे तो इस बॉक्स के अंदर में एक बैग आता है, तो ये बड़ा खूबसूरत बैग है आप देख सकते हैं, जिसमें वॉशर का बड़ा ब्रांडिंग दिया है एंड अंदर आप देखेंगे तो मुझे एक इसका एयर इन्फ्लेटर मिलता है जो कि मेन मशीन है इसका। तो इसे पहले मैं दिखा देता हूँ फ्रंट लुक कैसा आ रहा है इसका। तो पहले तो आपको एक बटन मिलेगा ऑन ऑफ करने का, दूसरा आपको एक मीटर मिलेगा जिसमें कि आप देख सकते हैं कि मैनुअल रीडिंग दिया है, तो इसमें 0 से 120 तक ही दिया है, जबकि यहाँ पर उन लोगों ने लिखा है कि 130, बट आई डोंट नो 130 कैसा होगा जब रेटिंग ही 120 तक है मीटर। तो एनीवे इतना तो मुझे कभी लगा नहीं, अभी भी मैंने जब लास्ट टाइम कार में हवा भरा था तो इट वाज अराउंड ये मार्क तक के, आप समझ लीजिए मैंने भरा था यहाँ 40 और इस डैश के बीच में। तो देखने से तो ये बहुत प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट लगता है, आप अगर देखें इसका, देखिए कितना अच्छा क्वालिटी है, ब्रांडिंग भी अच्छा दिया है, यहाँ पे 3D टाइप का इसका लोगो दिया हुआ है और साथ में इसमें पीछे में मैंने जिस तरीके से देखा कि एक नोजल आता है, इसका भी लेंथ अच्छा खासा है, आप अगर देख रहे होंगे तो ये एक नोजल इसके साथ मिलता है और ये इसका क्लिप पिन रहता है जो कि आपको कार में फिट कर सकते हैं। साथ में ये केबल मिलता है, कार चार्जिंग केबल रहता है इसमें, जो अडेप्टर रहता है वो कार चार्जर से लग सकता है, ये देखिए किस तरीके से मिलता है ये। यहाँ पर मुझे लगता है खोलने के बाद में शायद अंदर फ्यूज़ भी होना चाहिए, बट फ्यूज़ मुझे कुछ बाहर से तो मिला नहीं है। तो इसका लेंथ जो है ऑलमोस्ट 3 मीटर्स तक के कह रही है कंपनी, मैं तो एक्चुअल मेजर नहीं किया बट काफ़ी लंबा है, जब मैं मतलब सामने में भी इसको लगा के प्लग को पीछे के टायर में हवा भर रहा था तो इट वॉज ईजीली रीचेबल। और ये एक LED है जो थोड़ा डिम है, बट देन ठीक है, आपको तो सिर्फ अगर टायर के
नोजल को ही देखना है तो आई थिंक इट दिस इज इनफ। और साथ में ये एक अटैचमेंट दिया है, ये साइकिल में लगाने का लग रहा है मुझे, कि ये आप इसमें फिट कर सकते हैं, यहाँ फिट हो जाएगा तो ये साइकिल में भी हवा भरने लगेगा। साथ में देखिए आप, अगर यहाँ पर मुझे दो नोजल दिख रहे हैं, ये तो मैं अपने निकाला भी नहीं था, बट आप लोगों के लिए मैं पहली बार इसे निकाल कर आई विल चेक किए है क्या इसके अंदर। एक्चुअली नेल्स मेरे छोटे हैं तो आई एम गोना फाइंड इट टफ टू टेक इट आउट, मे बी लेट मी फाइंड समथिंग जिससे कि मैं उसे पुश कर सकूं। ठीक है, पेन से ट्राई टू पुश इट, या टेक इट आउट। काफी अच्छे से ये पैकिंग किया गया है, तो अभी दोस्तों ये तो निकालना थोड़ा मुश्किल है। हाँ या तो ये देखिए, ये दिया गया है एक आपके फुटबॉल या फिर किसी भी बॉल में हवा भरने के लिए, और ये वाला नोजल जो है ये हवा भर सकते हैं आप किसी भी बलून में या फिर आपके जो इन्फ्लेटेबल जो आपके टॉयज आते हैं बच्चों के या फिर कोई बेड वगैरह आता है उसके अंदर आप हवा भर सकते हैं। तो ऐसा दोस्तों ये मेन बॉक्स है, इसमें भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखेगा शायद, तो टायर इन्फ्लेटर लिखा है DC 12 वोल्ट करंट 10 एम्पियर्स और डू नॉट टेम्पर अदरवाइज द वारंटी विल बी वॉइड। तो ये आपका वॉशर का टोटल पीस है। अब साथ में आपको क्या क्या मिलता है वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसे मैं यहाँ रखता हूँ ताकि आप लोग देख सके कि और क्या क्या मिलता है बैग के अंदर। तो एक तो मुझे यूजर मैनुअल दिख रहा है, ये मैनुअल जो है इसके अंदर उसका रेटिंग वेटिंग फिर से वही लिखा है जो बॉक्स में लिखा था, एंड ये वारंटी कार्ड एक है, और ये एक टैग मिलता है, ये मेरे ख्याल से कार में लगाने के लिए आप लगा सकते हैं ये टैग को। ये भी बड़ा अच्छा क्वालिटी का है, देखिए आप अगर देखें तो इट लुक्स वेरी नाइस, मतलब ऐसा लग रहा है कि अमेरिकन कंपनी का कुछ है, इट लुक्स वेरी नाइस। बट यहाँ पर लिखा है मेड इन चाइना, तो यू कैन नो राइट, अंदर तो बाहर तो बॉक्स में कुछ कुछ दिखा नहीं, बट ये टैग तो एटलीस्ट चाइना में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विथ दिस कार्ड दैट वी आर गेटिंग। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप ये प्रोडक्ट को आप उसका एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहते हैं तो आपको इनको व्हाट्सअप करना पड़ेगा और रजिस्टर करना पड़ेगा ऑन दिस नंबर। और यहाँ लिखा है हैप्पी विथ अवर प्रोडक्ट, तो जस्ट लीव अस एन ऑनेस्ट रिव्यू। तो रिव्यू देने के बाद में ये लोग आपको 6 मंथ्स का वारंटी देंगे। तो बेसिकली यही है कि अगर आप इन लोगों को रिव्यू करते हैं तो ये लोग आपको एक्सटेंडेड वारंटी देंगे। दैट्स नॉट बैड, यू नो एक्चुअली मैं यही कहूंगा कि रिव्यू अगर आप करते भी हैं तो इट्स नॉट रॉन्ग, बट वही है कि यू शुड नॉट गेट स्वेट अवेट। आप गलत रिव्यू मत दीजिए किसी को भी, अगर आप नाखुश हैं तो आपको उसे लिखना है कि नाखुश है। जस्ट 6 मंथ्स की वारंटी एक्सटेंड करने के लिए अगर आप सोचेंगे कि मैं नहीं मैं उसमें रिव्यू ऐसा दे देता हूँ कि मुझे वारंटी बढ़ जाए, इट्स बेटर कि आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर दें अगर आप हैप्पी नहीं है तो, रादर देन गिविंग अ फेक रिव्यू। मैं तो यही मानना है, बट आई एम हैप्पी विद द प्रोडक्ट, क्योंकि मैं जब इसे यूज किया एंड कार मेरा पूरा पंचर हो गया था, इट वॉज नॉट इवन हैविंग कुछ भी उसमें एयर नहीं था, तो जब मैंने फिल किया तो इट टुक ऑलमोस्ट अराउंड आई से 2 to 3 minutes इट टुक टू कम्प्लीटली आई मीन फिल द टायर टिल 35 PSI। एंड अभी मैं चेक किया तो मतलब स्टिल द एयर इज देयर, ऑलमोस्ट मुझे 3 से 4 दिन हो गया है वो हवा भर के। सो हवा तो अच्छा भर गया है एंड टाइम भी बहुत कम लिया है। साथ में जो हीटिंग होता है, जो यूजुअली आप देखते होंगे कि हीटिंग इशू होता है इन्फ्लेटर्स में, सो आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड एनी इशू विद दिस। मैं उसको हाथ में ही पकड़ गया था एंड आई वॉज सीइंग कि इफ इट स्टार्ट्स हीटिंग आई स्विच इट ऑफ, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो कुछ भी उसमें इशू नहीं आया एंड इट वॉज कूल। आई मीन लाइक मैं तो एक ही टायर में भरा था एंड दूसरे टायर्स का चेक किया तो ऑलमोस्ट आई हैड गुड प्रेशर, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, उसमें ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स में भर गया जो डिफरेंस था। बट एक जो पंचर टायर था उसमें काफी टाइम लगा, जो कि अराउंड 2 to 3 minutes था, बट दैट इज आई थिंक मैनेजेबल, वो तो उतना लगना ही है अगर आप ऐसा कोई डिवाइस लेते हैं एंड अगर ये हीट नहीं हो रहा है तो दैट इज इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। तो मैं तो हैप्पी हूँ ये प्रोडक्ट से अभी फिलहाल, तो अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बाय करने के लिए सो यू कैन गो फॉर इट। इसमें अभी तो मैनुअल रहता है, सबको स्विच ऑफ ऑन एंड ऑफ करना है,
एक बार आपने ऑन कर दिया तो ये स्टार्ट हो जाता है, स्लोली द मीटर विल स्टार्ट राइजिंग, एंड वो होने के बाद में जब आपको दिखेगी है या मीटर हैज कम टू एन लेवल कि 35 PSI तक आ गया, यू कैन जस्ट स्विच इट ऑफ. तो दैट इज व्हाट आई डिड. दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी एक्यूरेसी की बात अगर आती है मीटर की, तो आई एम नॉट श्योर कि मैंने इसे किसी प्रोफेशनल मीटर के साथ में मैंने इसे ये किया. आई डिड नॉट कंपेयर इट विद एनी प्रोफेशनल प्रेशर गॉज, बट मुझे जिस तरीके से प्रेशर मतलब टायर का हार्डनेस देख के लगा, तो इट फेल्ट कि अराउंड 30 के तो ऊपर गया ही था, बिकॉज इट वॉज नॉट कि काफ़ी कम हवा थी या फिर काफ़ी ज़्यादा थी, बट इट वॉज फाइन. मेरे बाकी टायरों से इट वॉज इन सिंक. तो आई थिंक कि प्रेशर वाइज इसका जो मीटर है वो भी एक्यूरेट ही है. सो मैं वही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को कोई और अच्छा प्रोडक्ट मिलता है इसी प्राइस रेंज में, यू कैन बाय दैट. क्योंकि मैंने भी इसे देखा तो 801 के साथ में 802 भी एक मुझे मिला था, 802D, बट वही था कि दैट वॉज आउट ऑफ स्टॉक. एंड देन मैं पहले तो डिजिटल मीटर लेने का सोच रहा था, बट देन अभी जब ये मेरे पास आया है तो देन आई एम थिंकिंग कि यार दैट वॉज द गुड चॉइस व्हाट आई डिड. क्योंकि यू नो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होने के बाद में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इशू आने का तो आई एम ऑलवेज अफ्रेड. इसीलिए मुझे तो मैनुअल अच्छा लगा, जब मन चाहे आप चालू कर सकते हैं, जब मन चाहे आप बंद कर सकते हैं, पूरा टोटल कंट्रोल आपके पास में. आपको ऐसा नहीं ऑटो सेट करके आप भूल जाए, वो ज़्यादा हवा भर दे कम हवा भर दे, तो आई डोंट वॉन्ट टू रिलाई ऑन दैट. तो मुझे तो ये 801 का काफ़ी अच्छा लगा प्रोडक्ट. एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा या फिर आप लोग कोई और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं इसके बारे में, कि कोई कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं जो कि मैंने कवर ना की हो वीडियो में, तो यू कैन जस्ट कमेंट ऑन द बिलो बॉक्स एंड लेट मी नो कि आप क्या जानना चाहते हैं. तो फाइन फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर मेरे पास और भी प्रोडक्ट्स आएंगे तो मैं रिव्यू करता रहूँगा. आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, बिकॉज मैंने इसके पहले भी काफ़ी रिव्यूज़ दिए हैं एंड ऑल द रिव्यूज़ वर वेरी जेन्युइन. कोई भी रिव्यू में ऐसा नहीं हुआ कि मैं पैसे लेकर दिया हूँ, बिकॉज ये भी आप देखेंगे तो इफ़ यू वॉन्ट मैंने इनवॉइस कॉपी वगैरह सारा दिया है आपके सेलर को टू गेट द 6 months वारंटी. तो मुझे कोई फ्री का प्रोडक्ट नहीं मिलता, दैट्स वाई एवरीथिंग जो भी मेरे पास पैसा है पूरा मेहनत का है. तो अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि कुछ आपका मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बिलो. जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई विल जस्ट गेट बैक टू यू. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.